नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पहले आंधी तूफान फिर बारिश, इससे बड़े किसानों की परेशानी। चने की फसल और गेहूं की फसल अभी 30% ही कटाई हो पाई है, जिसमें चने की फसल अगर कट गई है तब भी नुकसान है और अगर चने का पौधा लगा हुआ है तब भी नुकसान है। कटी हुई फसल आंधी तूफान की वजह से एक दूसरे के खेतों तक चली जाती है। जिन किसानों की गेहूँ की फसलें नहीं कटी है और बारिश हो जाती है तो गेहूँ की चमक चली जाती है, जिससे फसल के दाम कम मिलते हैं। मंडी में बेचने में किसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिन किसानों की फसलें हरी हैं आंधी तूफान की वजह से वह गिर जाती हैं तो उसकी भी उपज बहुत कम जाती है। पहले की अपेक्षा अब किसानों की लागत बहुत बढ़ चुकी है और फायदा कम होता है और इस तरह से अगर मानसून की मार पड़ती है तो किसान लागत ही निकाल पाता है। 4 महीने से किसान खेत लागत लगाता जाता है ये सोच कर कि फसल अच्छी जाएगी, जिससे उसका साल भर का घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, दवाइयाँ, अच्छी फसल से ही इन सब का इंतजाम होता है। मगर जब बेमौसम की मार पड़ती है तो किसान को तो घर का खर्च डगमगा जाता है। किसान घर खर्च और फसल लगाने के लिए कर्ज लेता है और जब कर्ज नहीं चुका पाता है तो आत्महत्या भी इसी वजह से करता है। देखिए इमरान खान की ये खास रिपोर्ट।